न्यूज पेदुंग को सह प्रायोजक गोवा फास्ट फूड एंड स्नैक्स पेदुंग बाजार। आज 18/1/2022 को दिन पेशोक चिया बगान को कार्यालय में पेशोक चिया बंद खोलिने तय भयो। आज देखि बगान खोलिने तय भयो। कारण आज म सबै श्रमिकबाट यो भन्न चाहन्छु कि बगान खोलिएको तपाईहरुलाई खुशी छ, हामी सबैलाई खुशी भन्दा एकदमै खुशी छ। पहिले नै यो सरकारबाट आएको आदेशलाई सबैले पालन गर्नै पर्नेछ, किनभने सरकारबाट नै यो आदेश आएको कि बगान चिया हरेक चिया बगानहरू पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा खोल्दै आएको कुरो र हामी पनि खुसी हुनुपर्ने कुरो हो। यसमा बितेको दिनमा जति पनि दुःख कष्ट भोग्यो, जे पनि गर्यो, त्यो कुरोहरू बिर्सिदिनुपर्छ र सबै श्रमिकहरूले पनि त्यसको साथ दिएको हुनुपर्छ, साथै म्यानेजमेन्ट साइडले पनि साथ दिएको हुनुपर्छ भनेर आज मेरो खुसी छ। अन्त बन्द भएको राम्रो कि चलेको राम्रो लाग्छ? बगान सञ्चालन भएपछि अब कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हामीलाई त खुसी नै लाग्छ, खुसी लाग्छ। हजुर, बन्द भएको जुन प्रकारको थियो पहिला बिजोग भयो है, त्यो हेरेर अब तपाईँ कसलाई चाहिँ अब मान्नुहुन्छ? राज्य सरकारलाई मान्नुहुन्छ कि पार्टी? अब राज्य सरकारलाई मान्नुपर्छ नि, राज्य सरकारलाई। हजुर, तर यो होइन, तर अब दुई वर्ष चल्दै बन्द गर्दै गऱ्यो भने त अब हामी कहाँ खुसी हुनसक्छ र त? नहुनेलाई एकदमै नराम्रो, चल्यो भने एक प्रप्तरमा आउँछ, एकदम यसमा हामी खुसी छौँ। चलेको राम्रो हो, त्यस कति राम्रो फेसिलिटी छ, हस्पिटलमा गाडी पाउँछ जानु, कति राम्रो। यो त अघि आएर सरहरूले भनेको कुरा त राम्रो भयो त। बगान चल्नु थाल्यो आजदेखि है, अब तपाईँको रोज पनि लाग्दैछ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो त राम्रो लाग्छ, चलेकै राम्रो। अब त बन्द भयो भने त अब आफूले रोजगारीहरू गरेर खानुपर्छ, चल्यो भने त अब राम्रो, सबैलाई राम्रो हुन्छ। पेशोक चिया बगान आज हम लोग इसका पूजा करके उद्बोधन किए हैं और आज से पेशोक चिया बगान चालू हो गया है। पेशोक चिया बगान हम लोग गत आपका क्या 17 जनवरी को हमने त्रिपक्षीय मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद में इनका जो बकाया था, जो बकाया हम 100% में राजी हुए हैं, जो क्रमशः हम लोग इसको अभी ओपनिंग के साथ में 40% देंगे और उसके बाद में आपका अप्रैल में 30% देंगे और जुलाई में बैलेंस का 30% देंगे। बोनस का हमारा फाइनल हुआ है दुर्गा पूजा से पहले, इन लोग का बोनस जो ड्यू था पहले का वो बोनस हम लोग देंगे। और इसके साथ में LTA है, उसके बाद में फूड ग्रेन का है, जो हम क्रमशः इनको मार्च में और अप्रैल में पूरा पेमेंट कर देंगे। इसका जो 570 श्रमिक का जो स्ट्रेंथ था, उसी स्ट्रेंथ को साथ में लेकर हम लोग पेशोक चाय बगान चलाना चाहते हैं। और फैक्ट्री के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि जिस दिन हमको इसका लीज मिल जाएगा, वो लीज मिलने के बाद में हम इसको क्या नाम है फैक्ट्री को लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके लिए जो भी लाइसेंस लेना है, सब कुछ लेना, वो लीज का पेपर के ऊपर में ही हमको मिलेगा। अभी जो श्रमिक लोग का डिमांड है डिस्पेंसरी का, सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं, जब तक हमारा डिस्पेंसरी बढ़िया से नहीं बन जाता है, हम मोबाइल सेवा में सबका जो भी डिस्पेंसरी की दरकार होगी हम लोग करेंगे। और होइन सुन्नुहोस्, श्रमिक सङ्ख्या त त्यति नै रहन्छ, अब एज पर रिक्वायरमेन्ट हामीलाई अगर बिगा लेबर चाहियो हामीले अवश्य लिन्छ, लिन्छ अवश्य लिन्छ, किनकि बगान पनि बहुत यस्तो एरिया छ पुरा मैले जङ्गलसित ढकिरहेको छ, तिनीहरूलाई हामीलाई सार्नुको लागि त एक्स्ट्रा लेबर चाहियो नि, त्यो हामीले लिन्छ। एक्सपर्ट सेम स्ट्रेन्थ भन्छ जस्तो पहिलाको थियो, त्यो सेम इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट हामीले घटाएको छैन लेबर इन्ट्रेस्ट। हाम्रो चिफ मिनिस्टर माननीय ममता बेनर्जी जी, हाम्रो श्रम मन्त्री माननीय बेचारा मन्ना जी, और हमारे यहाँ के जो सेंट्रल नेता हैं सुरेश सुब्बा जी, मिलन प्रधान जी, प्रशांत प्रधान जी, और हमारे भरत ठाकुरी जी, टीएमसी के हमारे खावा साहब,
इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ के श्रमिक जन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सबके सहयोग से क्या नाम है आज हम ये बगान खोल पाए। धन्यवाद। फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री लगने के बाद में आप लोग का भरोसा जो हमारे ऊपर में है वो और बढ़ेगा और हम इस तरीके से क्या नाम है आपका पेशोक चाय बगान हम चलाएंगे और आप लोग का इसमें हमको पूरा का पूरा सहयोग चाहिए कि पहले जो भी घटना घट चुकी है उससे शिक्षा लेते हुए यहाँ जो फैक्ट्री नहीं थी हमारा सबसे सर्वप्रथम हमारा ये है दिमाग में कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि पत्ती बिक्री करके कोई भी बगान वायबल नहीं हो सकता है। बगान को वायबल करने के लिए फैक्ट्री लगानी बहुत ज़रूरी है और सरकार से हमारी बात चल रही है और हम यहाँ पर क्या नाम है जल्दी से जल्दी हम अपना यहाँ लीज लेकर और फैक्ट्री लगाने की हमारी मंशा है और हम फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री अगर रनिंग हो जाती है तब ये बगान कभी भी बंद नहीं होगा।